आज मैं आपके साथ अंकुरित चने का सलाद शेयर करने वाली हूँ, या चाट कह लीजिए। तो ये अंकुरित चने को मैंने उबाल लिया है 4 सीटी आने तक, और चाहिए हमें खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और मूंगफली। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, मैं इसमें मूंगफली को फ्राई कर लूँगी। मूंगफली फ्राई हो गई, इसे निकाल लेंगे। अब तेल में हम जीरा, मिर्च और प्याज, अब हम प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब मेरा प्याज 80% कुक हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे चना मिक्स कर दूंगी, और इसी के साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी, और टमाटर और चने को साथ में पकाएंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, नमक, इन सबको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं चाट मसाला ऐड करूँगी, और मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि चने हमारे पहले से बॉयल थे, और साथ ही हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। और टमाटर प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि ये जब मुँह में बाइट लेने पे आएगा इसका क्रंची सा फ्लेवर अच्छा लगेगा। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये मेरे चने की चाट बन गई, मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। पहले हम प्लेट में अपनी चाट डाल लेंगे, या फ्राई चना आप जो कुछ भी कहना चाहें, उसके ऊपर से थोड़ी सी मूंगफली, थोड़े से कटे हुए खीरे, और ये हमारी चाट तैयार है। टेस्टी, हेल्दी, छोटे बच्चों के लिए, फिटनेस फ्रीक के लिए, सबके लिए ये बहुत बेस्ट चाट है और बहुत टेस्टी है। तो आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।